Hey everyone, this is Abigail and welcome back to my channel. भाई यंग गालिब और करमा रुके नहीं रहे, डिस पे डिस आते ही जा रहे हैं एंड वो भी 24 आवर्स भी नहीं लगा रहे एक दूसरे को रिप्लाई करने में। करमा ने जो रिप्लाई डिस डाला था यंग गालिब के डिस का, हाउ टू टेम योर बिस्ट, उसी डिस का रिप्लाई करते हुए कल यंग गालिब ने एक और डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था बबली एंड उसके ऊपर आज करमा ने फिर से यंग गालिब के उस ट्रैक का रिप्लाई करते हुए और एक डिस डाल दिया जिसका नाम है यंग गालिज। तो मुझे ये लगा था कि ये डिस खत्म है क्योंकि करमा ने अपने लास्ट डिस में बोला था कि और वो रिप्लाई नहीं करेंगे एंड इवन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन एज अ सरप्राइज करमा ने फिर से ड्रॉप कर दिया है और एक डिस। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने काउंटर बार्स आए हैं दोनों तरफ से एंड इन दोनों गानों का मैं रिव्यू भी करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्टार्ट करते हैं रिप्लाई बार से, यानी कि काउंटर बार से। पहले मैं यंग गालिब के गाने का क्लिप प्ले करूंगी एंड उसके बाद करमा ने जो उस बार का रिप्लाई किया है वो प्ले करूंगी एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर बार को एक्सप्लेन करूंगी। हम खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। यंग गालिब ने यहाँ पे रफ्तार को पॉइंट आउट करते हुए ये बोला है कि मैं खाते पीते घर से हूँ, मैं भैया के घर नहीं पला, यानी कि वो यहाँ पे करमा को पोक कर रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि आज उन्होंने जितना भी कुछ अचीव किया है वो सिर्फ रफ्तार की वजह से ही अचीव किया है। करमा ने उस बार का काउंटर करते हुए ये बोला है, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर, यानी कि खाने से ध्यान हटाएगा तभी तुझे काउंटर बार्स दिखे। इसमें और एक बार का भी काउंटर है जहाँ पे यंग गालिब अपने डिस में लास्ट में बोलते हैं कि तू काउंटर नहीं दे रहा है बार्स के, काउंटर नहीं दे रहा क्या गान फट रही। करमा ने यहाँ पे उस चीज का भी काउंटर कर दिया, आड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकार। तो यंग गालिब ने यहाँ पे ये बोला है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ से, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से। तो पता ही है कि करमा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पे यंग गालिब ने बोला है कि तू स्लम एरिया से नहीं आता है, तू आता है पहाड़ से। उसके काउंटर में करमा ये बोलते हैं, मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा। सो आप लोग को पता है कि करमा ने ये बोला था कि वो और डिस नहीं करेंगे, उसका रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही यंग गालिब ने उनके रूट्स का मजाक उड़ाया तो उनको डिस करना ही पड़ा। और एक चीज, अगर आप पहाड़ों के जो घर होते हैं अगर आप वो देखोगे तो वो घर भी इतने आलीशान नहीं होते हैं, वो भी एक छोटे से होते हैं, एक झोपड़े जैसे। करमा ने जो अपने गाने में बोला था कि वो भी झोपड़पट्टी से आते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज का कभी भी सिंपैथी नहीं लिया, सो इट वॉज क्वाइट लॉजिकल। तू चौकीदार है वॉचमैन तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल, का चौकीदार ही बैठ के यहाँ देश चला रहा। यंग गालिब यहाँ पे बोलते हैं, तू स्टार नहीं तू चौकीदार है। करमा जो है वो पहले वॉचमैन का जॉब करते थे एंड उसी के बाद उनका म्यूजिकल कैरियर स्टार्ट हुआ, उसी का रेफरेंस यहाँ पे यंग गालिब ने दिया है एंड जिसके काउंटर में करमा ने ये बोला, यू कॉल मी वॉचमैन तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल, कॉज चौकीदार ही बैठ के यहाँ देश चला रहा। यहाँ पे वो पीएम मोदी के बारे में भी बोल रहे हैं, सो उन्होंने उस बार का रिप्लाई भी कर दिया एंड ही केप्ट हिज रेफरेंस गेम ऑन। तो बोल के थैंक यू बोले शिक्षिली से आया हिप हॉप में, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख, शीशे में जाके शक्ल दे। सो यहाँ पे यंग गालिब ने बोला है, तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले शेख चिली से आया हिप हॉप में। सो भैया यानी कि रफ्तार एंड शेख चिली इज इक्वल टू एमिवे, सो रफ्तार का जो गाना है शेख चिली उसी का रेफरेंस यहाँ पे यंग गालिब ने दिया है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि तेरे भैया यानी कि रफ्तार को थैंक यू बोल के आ, क्योंकि शेख चिली की वजह से ही उनका जो अस्तित्व है वो हिप हॉप में है, यानी कि एमिवे की वजह से। एंड करमा ने उसका काउंटर करते हुए ये बोला, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख, शीशे में जाके शक्ल देख। तो शेख चिली एंड इधर में फैजल शेख, तो उसको भी उन्होंने थोड़ा सा बहुत राइम कर दिया एंड फैजल शेख जो है वो यंग गालिब का रियल नेम है एंड यहाँ पे उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक डायलॉग का भी रेफरेंस दिया है। इसके बाद कोई काउंटर बार नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे यंग गालिब जो है अपना फ्लो स्विच करते हैं एंड वो थोड़ा सा चॉपर फ्लो लाते हैं एंड सेम चीज करमा ने भी अपने गाने में किया है। मेरा हुड बाबा पहले से कॉम था, विजन है लॉन्ग टर्म, बसाने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन है एनिमीज बहुत है से, पर पर्वत नहीं दिल पत्थर पर, रबर मत भाई करमा से टक्कर, बरकत नहीं चारों। लास्ट काउंटर बार कुछ ऐसा है जो दोनों तरफ के डिस सॉन्ग से ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि दोनों ने यहाँ पे डबल एंटेंड्रा का यूज किया है एंड जो रेफरेंसेस दिए हैं बहुत ही खतरनाक दिए हैं, तो उस चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप वो काउंटर बार सुन लो। हो गए ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं।
सामने भगवान बनके ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके विवेकानंद ले रहा ओब्रॉय के लाउंज पर और इसकी हाइट इतनी झांट के फेयर बॉल भी बाउंसर। तो यहाँ पे हमने जो दोनों तरफ के काउंटर बार्स है उनको एक्सप्लोर कर लिया। यंग गालिब ने भी कर्मा का जो गाना था हाउ टू टेम योर बीस्ट उसके बहुत से काउंटर्स किए हैं उस गाने पे, लेकिन उस चीज को मैंने इस वीडियो पे नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है एंड आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो कि किस बार का कौन सा काउंटर था। अब आ जाते हैं दोनों गाने के रिव्यू और ब्रेकडाउन पार्ट पे। सो मैं ओवरऑल पूरे दोनों गाने का ब्रेकडाउन नहीं करने वाली हूँ, मैंने कुछ कुछ लाइन्स पिकअप किए हैं जिसका ब्रेकडाउन जरूरी था। पहला लाइन जो कि यंग गालिब के गाने से था जहां पे उन्होंने बोला लाइन हो गई है क्रॉस ये जोश में कभी ना पहुंचेंगे शाहरुख के पॉच में विवेक का करियर सलमान ही खाएगा मैं अकेला तेरे लिए बॉट में। यहां पे यंग गालिब ने डबल एंट्रेंडर का यूज किया है जहां पे उन्होंने शाहरुख को मेंशन किया है, शाहरुख यानी कि शाहरुख खान के बारे में भी बोला जा रहा है एंड शाहरुख यानी कि एमिवे बंटाई के बारे में भी बोला जा रहा है क्योंकि एमिवे का जो रियल नेम है वो शाहरुख ही है। उसके पहले वाले लाइन पे यंग गालिब ने बोला लाइन हो गई है ये जोश में, सो जोश जो है वो शाहरुख खान के एक मूवी का भी नाम है। उसके बाद वाले लाइन पे उन्होंने बोला ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा। विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में आप सभी को पता है, सो यहाँ पे वो सलमान यानी कि खुद को रेफर कर रहे हैं एंड विवेक यानी कि कर्मा को रेफर कर रहे हैं। ऑल्सो कर्मा का जो रियल नेम है वो विवेक ही है। सलमान खान ने जैसे विवेक ओबरॉय का पूरा जो मूवी करियर है वो खत्म कर दिया था उसी तरह ठीक वो कर्मा का जो करियर है वो खत्म कर देंगे। उसके ठीक काउंटर मार में भी कर्मा ने उसी चीज का रिप्लाई करा वो भी सेम अंदाज में। इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरे ही चलेगी साला शाहरुख शेख आए या सलमान बनके विवेक आनंद ले रहे ओब्रॉयस के लॉन्च पर और इसकी हाइट इतनी जहांत के फेयर बॉल भी बाउंसर। इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके, सो कर्मा यहाँ पे खुद को भी रेफर कर रहे हैं एंड कर्मा यू नो जो इंसान के अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म है उसको भी रेफर कर रहे हैं। यंग गालिब ने जोश फिल्म का रेफरेंस दिया था जो कि शाहरुख खान का एक फिल्म है, सो यहाँ पे कर्मा ने भी शाहरुख और सलमान के मूवी करण अर्जुन का रेफरेंस दिया है। जैसे कि करण अर्जुन मूवी में शाहरुख और सलमान मर जाते हैं लेकिन वो फिर से जन्म लेते हैं ताकि जो अमरीश पुरी है यानी कि इस फिल्म के जो विलेन है उनको पनिश कर पाए, उनको अपना कर्मा वापस लौटा पाए। सो सेम चीज को ही कर्मा ने बहुत क्रिएटिव वे में उस चीज को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद वाले लाइन पे यंग गालिब ने विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में भी बोला था। यहाँ पे उन्होंने बोला कि विवेक आनंद ले रहा है ओबरॉयस के लॉन्च पे, विवेक यानी कि विवेक ओबरॉय का भी यहाँ पे रेफरेंस हो गया एंड विवेक यानी कि वो खुद को भी बोल रहे हैं एंड ओबरॉय होटल के बारे में तो आपको पता ही है। उसके बाद यंग गालिब ने अपने गाने में ये बोला था कि हम खाते पीते घर से बॉय मैं भैया के घर नहीं पला। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि कलमकार से जो है उससे कर्मा को भगा दिया गया है यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया है। तारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। ये चीज बहुत बार हुआ है बंटाई रिकॉर्ड्स की तरफ से जहाँ पे उन लोगों ने बहुत बार सबको पोक किया है, कृष्णा को भी पोक किया है, इवन कर्मा को भी पोक किया है ये बोल के कि तुम लोग जो है हो वो लेबल के नौकर हो। ठीक है, काउंटर में कर्मा ने अपने गाने में ये बोला नया कार्ड देख रिवर्स में उनो दिखा रहा, नया कार्ड देख रिवर्स में उनो दिखा रहा। उनो कार्ड्स के बारे में आपको पता ही है एंड उनो कार्ड्स में एक कार्ड रिवर्स का भी आता है। तो कर्मा बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं पहले तुम लोग मुझे लेबल का नौकर बोल के चिढ़ाते थे लेकिन अब जो है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी लेबल में साइन तू है यानी कि यंग गालिब है तो लेबल का जो नौकर है वो अभी तू ही है। यानी कि जो एक टाइम पे कर्मा को बोल रहे थे कि तू लेबल का नौकर है वो चीज अभी उन्हीं पे रिवर्स पर गई। तो यंग गालिब ने अपने गाने में सिर्फ कर्मा को ही पोक नहीं किया था, रफ्तार को भी पोक किया था भैया भैया बोल के एंड कर्मा ने उसी चीज का भी रिप्लाई किया था अपने गाने में कि भैया और हुड से बाहर उनके बार्स कोई बार्स नहीं है काउंटर करने के लिए। भैया लेबल हुड के आगे कुछ बक सकता नहीं। और एक चीज कर्मा ने की है जो मुझे बहुत पसंद आया उनके ट्रैक में, यहाँ पे उन्होंने पूरे बंटाई रिकॉर्ड्स को ही लपेट लिया सबका पर्टिकुलरली एक एक करके नाम लेके। तो ये था थोड़ा सा ब्रेकडाउन दोनों गानों का, मैंने ओवरऑल ब्रेकडाउन नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती
एंड अब करते हैं दोनों गानों का रिव्यू। पहले करते हैं यंग गालिब के गाने का रिव्यू। पहले बात करते हैं बीट के बारे में। सो इसका जो म्यूजिक प्रोडक्शन किया है वो किया है ग्रोर म्यूजिक ने। आई डोंट नो इफ आई स्पेल द नेम करेक्टली और नॉट। इनका नाम मैंने पहली बार सुना है एंड ये वाला जो बीट है वो एक ड्रिल बीट था। बीट जो है वो ठीक थी, एवरेज बीट थी, जो गाने का कॉन्सेप्ट है उसके साथ सही जा रहा था। अब बात करते हैं लिरिक्स की। इस गाने में इतने ज्यादा रेफरेंसेस नहीं थे। यंग गालिब ने ज्यादातर जो है कर्मा का जो गाना था हाउ टू टेम योर बेस्ट उसका काउंटर किया है इस ट्रैक में। ओवरऑल जो गाना है वो सही था लेकिन मुझे जो उनका बीस मोड वाला ट्रैक है वो ज्यादा पसंद आया था इस ट्रैक से। आ जाते हैं कर्मा के गाने के रिव्यू पार्ट में। पहले बात करते हैं बीट की। सो इस गाने को प्रोड्यूस किया है श्रेड डैड ने। मुझे लगा था कर्मा शायद ड्रिल बीट यूज करने वाले है लेकिन उन्होंने ड्रिल यूज नहीं किया इस गाने में। कर्मा ने जो इसके इंट्रो में KGF के डायलॉग का यूज किया था वो मुझे बहुत सही लगा। कर्मा ने अपने पहले वाले गाने के इंट्रो में ब्रेकिंग बैड का रेफरेंस यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने KGF का रेफरेंस यूज किया। ओवरऑल बीट सही था, एवरेज ही लगा, सेम गोज विद द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव इनटू हिज लिरिक्स। आई हैव टू से दिस, जैसे बीस मोड में यंग गालिब ने कर्मा को ओवरशैडो कर दिया, यहाँ पे कर्मा ने यंग गालिब को ओवरशैडो कर दिया। खास करके उन्होंने जो डबल एंटेंड्रास यूज किया है, इतने सारे रेफरेंसेस यूज किए हैं, पंच लाइंस यूज किए हैं, काउंटर बार्स यूज किए हैं, भाई He has literally killed it. देखना ये है कि क्या इस चीज का यंग गालिब फिर से रिप्लाई करते हैं, क्या हमें फिर से 24 आवर्स के अंदर ही इस गाने का रिप्लाई ट्रैक देखने को मिलता है या फिर हम लोग को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जिस तेजी से डिस्ट्रैक्ट पे डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हो रहे हैं भाई कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके क्या रिव्यूज और थॉट्स है दोनों को लेके एंड आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। एंड आगे इस डिस वॉर में क्या होता है आई विल अपडेट यू गाइज। सो जाके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड डू हिट दैट लाइक बटन। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, सो इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट ओवर इंस्टाग्राम। Alright then guys, I will see you on my next video. Till then, take care, stay safe, and thanks for watching.